पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मीडिया के माध्यम से खबर आई है कि चुनाव आयोग अपनी ईवीएम मशीन का डेमोंस्ट्रेशन करने जा रहा है कि किस प्रकार से उनकी ईवीएम मशीन टैम्पर प्रूफ है। अभी कुछ दिन पहले देश के तमाम राजनीतिक दलों को बुलाकर चुनाव आयोग ने एक सर्वदलीय बैठक की थी जिसमें लंबी चर्चा ईवीएम के ऊपर हुई। आज ईवीएम पर पूरे देश के तमाम राजनीतिक दल और जनता के मन में गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। भिंड में जो कांड हुआ ईवीएम में गड़बड़ी का, धौलपुर में जो कांड हुआ ईवीएम में गड़बड़ी का, पुणे और मुंबई में जो ईवीएम के गड़बड़ी के मामले सामने आए, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पंजाब में जो ईवीएम पर सवाल उठा, इसके बाद कहीं ना कहीं आज ईवीएम के माध्यम से चुनाव निष्पक्ष कराए जा सकते हैं, इस पर एक गंभीर प्रश्न और सवाल खड़ा किया गया है। और देश के 18 अलग अलग राजनीतिक दलों ने, जिसमें कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, बीएसपी है, सपा है, आम आदमी पार्टी है, तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर ये कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये बात लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा उस दिन भी उठाई गई जिस दिन सर्वदलीय बैठक थी कि आपकी ईवीएम मशीन टैम्पर प्रूफ नहीं है, और इसके लिए जो मीडिया में खुद चुनाव आयोग ने कहा था, यह किसी राजनीतिक दल ने नहीं कहा था, मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग ने कहा था कि हम हैकथॉन कराने के लिए तैयार हैं, हम मई के पहले सप्ताह में, और कई कई अखबारों और टीवी चैनल्स पे तो 1 मई की डेट भी चल गई थी मुझे याद है कि 1 मई को हैकथॉन कराने के लिए तैयार है, यानी ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाओ, ऐसी चुनौती देने के लिए चुनाव आयोग तैयार है। आप लोगों को याद होगा कि आम आदमी पार्टी के तमाम हमारे एक्सपर्ट्स ने पिछले दिनों ईवीएम मशीन को कायदे से स्टडी करने के बाद सौरभ भारद्वाज, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, और उन्होंने विधानसभा के अंदर ईवीएम मशीन कैसे टैम्पर हो सकती है इसका प्रदर्शन विधानसभा के अंदर करके दिखाया था, जिसको पूरे देश के मीडिया चैनल ने दिखाया था, देश की जनता ने देखा था, राजनीतिक दलों ने देखा था। मेरा प्रश्न यह है कि चुनाव आयोग आखिर किसके दबाव में बार बार अपने फैसले बदल रहा है, आखिर किसके दबाव में चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की डिमांड को नहीं मान रहा है, आखिर किसके दबाव में हैकेथॉन से पीछे जा रहा है चुनाव आयोग, यह प्रश्न मन में खड़ा होता है। क्योंकि जहां जहां ईवीएम में गड़बड़ी का मामला आया वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के को ही फायदा पहुंचता हुआ दिखा, चाहे वो भिंड का मामला हो, वहां भी बीजेपी को फायदा हो रहा था, चाहे वो धौलपुर में 18 मशीनों की बात हो, वहां भी बीजेपी को वोट जा रहा है, किसी पार्टी को बटन दबाइए वोट बीजेपी को जा रहा है। तो आखिर किसके दबाव में आज चुनाव आयोग अपनी कही हुई बातों से पीछे हट रहा है, पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं 2009 से लेकर 2014 तक ईवीएम पर सवाल उठाती रही है, आज वही भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के समर्थन में क्यों इतनी पुरजोर तरीके से खड़ी है? सारे राजनीतिक दल नहीं चाहते ईवीएम, बीजेपी केवल चाहती है ईवीएम। अरे भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे देश में चल रही है, अगर मोदी जी की और प्रधानमंत्री जी की लहर पूरे देश में चल रही है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, आपको किस बात का डर है, आपकी तो लहर चल रही है। लेकिन अगर ईवीएम में गड़बड़ी का मामला कहीं भी सामने आता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिखता है, और भारतीय जनता पार्टी ही आज ईवीएम के पक्ष में खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी के ईवीएम में खड़े होने के साथ साथ राजनीतिक दलों के और देश की जनता के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग किस दबाव में हैकेथॉन जैसी प्रक्रिया से पीछे है,
जबकि हैकेथॉन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रकार से प्रचलित प्रक्रिया है जिसको अलग अलग देशों में भी अपनाया जाता है। मैं BEL कंपनी की बात कर रहा हूं, जो अभी समाचार पत्रों में 2-3 दिन पहले खबर आई है, वही बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। BEL कंपनी, जो कंपनी हिंदुस्तान में EVM देती है चुनाव कराने के लिए, बोत्सवाना में वहां पर सरकार ने हैकेथॉन के लिए चैलेंज दिया कि EVM मशीनों को हैक करके दिखाओ, इसके लिए एक्सपर्ट्स उन्होंने आमंत्रित किए, BEL को कहा कि आप भी आकर अपनी मशीन की सच्चाई बताओ, BEL कंपनी वहां पीछे हट गई, उस प्रक्रिया में शामिल होने से पीछे हट गई। भारत में भी वही कंपनी EVM मशीनें सप्लाई करती है और भारत में भी हैकेथॉन से पीछे हट गई, यानी EVM टैम्पर किया जा सकता है और आम आदमी पार्टी का मानना है EVM टैम्पर प्रूफ नहीं है। चुनाव आयोग के कैमरों के समक्ष, चुनाव आयोग के अधिकारियों के समक्ष, मीडिया और राजनीतिक दलों के समक्ष आम आदमी पार्टी के एक्सपर्ट्स, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग EVM में गड़बड़ियों को देश के सामने ला सकते हैं और इसके लिए हैकेथॉन की जो बात चुनाव आयोग ने कही थी उसको उन्हें कराना चाहिए, उस प्रक्रिया को लागू करना चाहिए। इतनी बात आपसे करनी थी। मैं एक ही बात संक्षेप में कहना चाहूँगा कि अगर इस देश के अंदर 18 राजनीतिक दल EVM के ऊपर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये बहुत गंभीर बात है देश के लोकतंत्र के लिए भी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑल पार्टी मीटिंग में सारे राजनीतिक दल, विशेषकर विपक्षी दलों की बात को न मानते हुए सिर्फ मीडिया के सामने डेमॉन्स्ट्रेट करने का प्रयास कर रहा है। अगर उनको कुछ करना ही था तो सारी राजनीतिक पार्टियों के समक्ष उनको करना चाहिए। लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पहियों पर चलता है, दोनों पहिए मजबूत होते हैं तभी लोकतंत्र सुदृढ़ और विश्वास योग्य माना जाता है। लेकिन अगर समस्त विपक्ष की राय को अगर अनदेखा कर दिया जाए और सिर्फ सत्ता पक्ष की बात को माना जाए तो ये सही बात नहीं है। और हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में हमें पूरा विश्वास है, वो एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन अगर वो सत्ता पक्ष की बात, BJP की बात को मानती हुई दिखे और विपक्ष की बात को न मानती हुई दिखे तो इससे गंभीर सवाल खड़े होंगे। और इसलिए हम इलेक्शन कमीशन से दोबारा गुजारिश करते हैं कि वो ऐसा कोई काम न करे जिससे कि लोकतंत्र के अंदर लोगों की आस्था थोड़ी कम हो। EVM को लेकर के इन सारे सवालों को उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ विधानसभा के अंदर EVM कैसे हैक होती है इसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया था, उसके साथ साथ हमने अपनी 3 मांगों को लेकर के चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन करके चुनाव आयोग को आम आदमी पार्टी का मांग पत्र हमने सौंपा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब उस पर नहीं आया। हमारी पहली मांग थी, जब विधानसभा में हमने EVM को हैक करके डिमॉन्स्ट्रेट किया, चुनाव आयोग की तरफ से सार्वजनिक बयान आया था, आधिकारिक बयान आया था कि ये हमारी मशीन नहीं है, ये चुनाव आयोग की मशीन नहीं है, ये खिलौना है, और उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा। हमने तब भी जा करके उनके यहाँ प्रदर्शन करके ये डिमांड की थी कि आप अपनी मशीन दे दीजिए, अपनी निगरानी में दीजिए, सुरक्षा व्यवस्था आपकी रहेगी, आपके कैमरे रहेंगे, आप मशीन हमें दीजिए। जैसे हमने उस डेमो मशीन में हमने मदरबोर्ड चेंज करके हैक किया था, चुनाव आयोग की मशीन में भी मदरबोर्ड चेंज करके हम हैक करके हमारे एक्सपर्ट आपको दिखा देंगे। लेकिन आज तक चुनाव आयोग का आधिकारिक जवाब कोई नहीं आया है। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करने वाला है इसमें उसका वो जवाब देंगे कि किस तारीख को
सभी लोगों की मौजूदगी में वो मशीन उपलब्ध कराने को तैयार हैं, जिसमें हम मदरबोर्ड चेंज करके कैसे हैक करने का खेल चल रहा है ये सबके सामने ला सकें। नंबर दो बात हमने की थी कि आज के बाद जितने चुनाव होते हैं, गुजरात के चुनाव के साथ साथ जितने चुनाव होते हैं देश के अंदर, वो ईवीएम मशीन पे वीवीपैट लगा करके किया जाए, इसका भी आधिकारिक जवाब आज तक नहीं आया है। और तीसरी बात हमने कही थी कि कोई भी चुनाव परिणाम तब तक घोषित नहीं होगा जब तक वहाँ के रेंडम 25% बूथ पर वीवीपैट की पर्चियाँ और मशीन के जो काउंटिंग है दोनों को टैली करके अगर बराबर पाए जाते हैं उन्हीं का जो है चुनाव परिणाम घोषित किया जाए। ये तीन डिमांड हमने चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन करके जनता की तरफ से हमने रखी थी, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं आया है। आज हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तीनों बातों पर अपना स्पष्ट जवाब जो है देश के सामने रखेंगे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि हमने तब भी निर्णय लिया था ये आम आदमी पार्टी की जीत हार का प्रश्न नहीं है। इस अगर चुनाव आयोग राजनीतिक सत्ता के दबाव में आकर के अगर लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठे हैं और उसके जवाब में अगर आनाकानी करता है तो आम आदमी पार्टी, अभी हम कुछ दिनों तक इंतजार कर रहे हैं, आल पार्टी मीटिंग के बाद हमें उम्मीद बंधी थी कि चुनाव आयोग कुछ सकारात्मक कदम लेगा। आज हम फिर हम सारा कुछ देखना चाहते हैं कि चुनाव आयोग कुछ स्टैंड लेता है या नहीं लेता है। अगर फिर भी चुनाव आयोग लीपापोती करता है किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में, तो जैसा हमने पहले कहा था, कल आम आदमी पार्टी का प्रदेश का सम्मेलन हो रहा है, ईवीएम को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे, और अगर चुनाव आयोग का सकारात्मक जवाब नहीं आता है तो इसको लेकर के प्रदेशव्यापी लोकतंत्र बचाओ अभियान आम आदमी पार्टी शुरू करेगी।